क्या आपको जानना है कि इस टाइप का साउंड कैसे बनाना है? या फिर बने रहिए आप मेरे साथ। सो वेलकम टू अ बेटर म्यूजिशियन एवरीडे। मेरा नाम अरिजीत शाह है और इस चैनल पे हमारा मकसद है हर रोज थोड़ा थोड़ा डेवलप करना चीज़ों को। अगर आप ये सीरीज नहीं फॉलो कर रहे हो, वोकल प्रोडक्शन, अभी ये सिंथ वाली सीरीज चल रही है कि आप कैसे साउंड्स बना सकते हो, विच इज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। एक सिंपल टूल से आप कैसा भी टाइप का साउंड को स्कल्प्ट कर सकते हैं। आइडिया ये है कि धीरे धीरे सिंपल चीज़ों को आप समझते जाओगे एंड यू विल ग्रो टू अ पॉइंट जहाँ पे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स VSTI किसी भी चीज़ को यू कैन ट्वीक। मे बी यू हैव 90% मतलब जो साउंड आपको चाहिए वो प्रीसेट में ऐसा है, बट वो 10% कहीं मिसिंग है एंड यू कुडंट फिगर आउट दैट, यू कैन डेफिनेटली फिगर आउट आफ्टर दैट। बड़ा काम हर कोई करना चाहता है, बट स्टार्ट स्मॉल, अंडरस्टैंड द बेसिक्स, एक्चुअली नेल द बेसिक्स, ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो। ये वाला मंत्र अगर आप याद रख लोगे तो इट विल हेल्प यू नॉट जस्ट इन म्यूजिक प्रोडक्शन, इन ओवरऑल लाइफ एज वेल। तो ये सीरीज में और भी बहुत सारे वीडियोज आएंगी, तो फॉलो करते रहिएगा। अब कल का अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें भी कुछ हमने चीज़ किया था। अब ये कुछ ऐसा साउंड करता है एंड वी विल सी हाउ वी रीच हियर। ओके, सिंपल साउंड्स, गुड राइट, इवॉल्विंग और एकदम मॉडर्न। चाहे आपका कैसा भी गाना हो, आप कहीं ना कहीं पे इस टाइप के एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर ही सकते हो। पिछला वाला अगर आपने एपिसोड नहीं देखा इस सीरीज में, उसे डेफिनेटली देख लेना, क्योंकि उसमें हमने रेट्रो सिंथ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो बेसिक पैरामीटर्स है। तो उसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं आज, है ना। एक ही चीज़ को रोज रोज करने से कोई फायदा नहीं है, तो हमने एक नया इंस्टेंस लिया यहाँ पे, रेट्रो स्ट्रेंथ हमने ऐसे करके खोल लिया। तो बाय डिफॉल्ट ये कुछ ऐसा दिखता है और इनिशियल प्रीसेट में ये कुछ ये वाला मॉड्यूल ऐसा साउंड करता है, ये ऐसा साउंड करता है, ये ऐसा साउंड करता है। रेट्रो सिंथ के इतने अलग अलग मॉड्यूल्स में ये एनालॉग वाला इज लाइक जितने भी बेसिक एनालॉग शेप्स होते हैं, स्क्वायर वेव, ट्रायंगल वेव और ये सारी चीज़ें, इसमें सिंक में इसी का ये दोनों चीज़ों को सिंक्रोनाइज करके, मतलब दो शेप्स को सिंक्रोनाइज करके आप एक अलग टाइप की साउंड बना सकते हो। टेबल इज वेव टेबल सिंथेसिस, जिसमें आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे आपको अलग अलग वेव टेबल्स मिलेंगे। आप बल्कि अलग अलग वेव टेबल्स इसमें इंपोर्ट भी कर सकते हो। सो लाइक सीरम, वाइटल, पिगमेंट्स, ये जो जितने भी ऐसा कुछ पेड वेड प्लगइन वगैन रहता है उसकी तरह, इस तरीके का सी। पीएम का मतलब हो गया, एफएम का मतलब हो गया आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को ऐसा मॉड्यूलेट करता है, इस टाइप का चीज़ है इसमें। तो ये सब में देख रहे हो ना, ये बटन थोड़े ऐसे अलग अलग दिखते हैं, तो आप हो सकता है ये लाल है आपको लग सकता है कि ये काम कर रहा है, बट यू नो ये अभी काम कर रहा है। ये ग्रीन है आपको लग सकता है काम कर रहा है पर नहीं कर रहा है, लाल होएगा तब काम करेगा। तो थोड़ा वक्त बिताना पड़ता है किसी भी सिंथेसाइजर के साथ हो टू अंडरस्टैंड ऑल एंड ऑल। तो ये साउंड कुछ ऐसी है, नॉट द प्रीटीएस्ट साउंड। सब कुछ बंद करते हैं, ये भी बंद करते, ये भी बंद कर, ये भी बंद कर, तो हमें मिलता है कुछ एक ऐसा साउंड। अब ये हो गया पूरा फिल्टर वाला सेक्शन, तो ये फिल्टर वाला एनवेलप हो गया। ये हो गया एम्प वाला सेक्शन और एम्प का गेन आप बढ़ा सकते हो, एक एक्स्ट्रा साइन वेव है जो आप अलग से असाइन कर सकते हो, और ये एम्प का एनवेलप हो गया। और इन सबको आप अलग अलग जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हो टू मॉड्यूलेट द थिंग्स। LFO लो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर हो गया, जिसके अलग अलग टाइप के शेप्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, और उसका टाइमिंग आप डिसाइड कर सकते हो हर्ट्स में, या अपने डॉ के साथ में उसे BPM सिंक भी कर सकते हो। विब्राटो वाला सेक्शन भी यहाँ पे है, सिमिलर थिंग विद दैट। ओके, ग्लाइड वाला आपको पता ही है कि क्या है, ऑब्वियसली चेक ऑल द प्रीवियस वीडियोज एंड ऑल, ठीक है। अब मान लो कि हम चाहते हैं एक बेस जैसा साउंड,
वैसे तो ये ठीक लग रहा है. अब बेस हैज टू प्ले इन लाइक लोअर ऑक्टेव राइट. तो सेटिंग में चलते हैं इसके, यहाँ पे इसे ट्रांसपोज करते हैं, नीचे ले जाते हैं. इमिडिएटली हमें एक बेस जैसे साउंड आ गई. इट्स नॉट द मोस्ट इंटरेस्टिंग साउंड. ये आफ्टर टच को इन सब को बंद करते हैं कि ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं इनको बाद में इस्तेमाल करेंगे. ठीक, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को जैसे खोलेंगे हम यहाँ से, तो ये दूसरे एलिमेंट से कुछ चीज़ें उधार लेगा एंड हमारा जो साउंड है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होगा. दिस लुक्स मच मोर लाइक अ बेस राइट. बेस जैसा लगता है. अब हमारा जो बेस है या तो हम मोनो में रख सकते हैं या तो हम लेगाटो में भी रख सकते हैं. मेक सेंस राइट. अब यहां पे हम वॉइसेस वगैरह भी एक्स्ट्रा चेंज कर सकते हैं बट लेट्स कीप इट. हमको ज्यादा वाइड नहीं चाहिए होता बेसेस, और हम सोचते हैं कि बेस थोड़ा सा सेंटर की तरफ से आए तो ज्यादा बढ़िया. ठीक, अब मजा तब आए जब ये फिल्टर यहां खुले और खुलते ही यहां वापस आ जाए तो वी कैन गेट सम अटैक. इसको करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि सेटिंग को तो करते हैं बंद और यहां से फिल्टर के एनवेलप में चलते हैं और इसका कर देते हैं डीके ऐसा. You can see that. अब एक क्लिक सी आ गई तो आपका जो बेस है वो गायब भी नहीं होगा. अब थोड़ा सा यू सी एम्प का एनवलप अगर आपका ऐसा होता तो ये आराम आराम से उठ रहा है. दैट इज नॉट हेल्पफुल हमारे बेस के लिए राइट. तो हमें तो अटैक हार्ड ही चाहिए. अब थोड़ा सा ग्लाइड रख लेते हैं आराम से जाए ताकि ऑन करते हैं इसे. ठीक है, अब ऑल ऑसिलेटर्स या सिंपली किसको करना है एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. ग्लाइड फिल्टर को भी ग्लाइड कर सकते हैं. ओह माय गॉड, ओके. तो अब एक काम करते हैं, साइन वेव को थोड़ा सा खोलते हैं टू थिकन इट अप. ओके बढ़िया. कैरियर और मॉड्यूलेशन के बीच का ये आप देख रहे हो कि थोड़ा सा इन हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज ऐड हो रही. थोड़ा सा आप यूज कर सकते हो. फिल्टर स्टैटिक है या एनवेलप से है. एनवेलप हम थोड़ा सा और एलएफओ से भी ले लेते हैं इसको. That is how you make wobble basses. Okay, अब यहां चलते हैं और हम वेलोसिटी में वेव का शेप चेंज हो रहा है हमारा, तो थोड़ा सा जितना जोर से हम प्रेस करेंगे Thank you.
इट इज स्टार्टेड साउंडिंग इंटरेस्टिंग राइट ग्रेजुअली. और क्या कर सकते हैं हम इसमें, थोड़ा सा रेजोनेंस को पुश करते हैं. ओके अब इसका जो मॉड्यूलेशन है बेसिकली इस चीज का, इसे ले आते हैं जरा. ओके सो लाइक दैट. अब You can see. There's like so much of possibility into it. अगर आप हायर ऑक्टेव पे ले जाओगे इसको तो दिस बिकम्स प्लक. अब ये मोनो में है ऑब्वियसली. अगर आपको प्लक है और मोनो नहीं चाहिए तो आप पॉलीफोनी बढ़ा लो. और ये क्योंकि कंटिन्यूअस हो रहा है और प्लक में हमको ऐसा नहीं चाहिए होता तो डीके इसका काट दो, रिलीज भी काट दो. सस्टेन हम खा चुके हैं. डन. इसके साथ में अगर आप थोड़ा सा रिवर्ब, थोड़ी सी डिले और ऐसी चीजें ऐड कर देते हो, फॉर इंस्टेंस, सी इंस्टेंटली एक इंस्पायरिंग साउंड बन गया है जिससे आप कुछ और कर सकते हो. लेट्स से ये प्रीसेट है. एक कोरस वाला प्लगइन है यहाँ पे जो मुझे बहुत जबरदस्त लगता है, डायमेंशन डी, तो इसे लगाते हैं. महंगा. अब हमें ग्लाइड की इतनी जरूरत नहीं है इसमें. लेट्स टर्न ऑफ द ग्लाइड. थोड़ी सी और चीजें आप ऐड कर सकते हो, इट विल चेंज द साउंड कंप्लीटली. और एक राज की बात बताता हूं मैं आप, ये है कि हम थोड़ा सा वापस से बेस की तरफ मुड़ते हैं. थोड़ा सा पॉलीफोनी को वापस किल करते हैं. थोड़ा सा वापस. अब एक प्लगइन लगाते हैं यहाँ पे एंटरस के अंदर से, एवॉक्स वॉक. आपको लगा कि एंटरस वाले सिर्फ और सिर्फ वोकल के प्लगइन बनाते हैं, ऐसा नहीं है, ये डिस्टॉर्शन है, तो आप इसको यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये लगा दिया हमने, सही इंस्टेंटली. Boom.
अब थोड़ा सा वॉबल करवा लेते हैं इसे, ऐसे ऐसे कैसे, मतलब ऐसे थोड़ी मजा आ रहा। थोड़ा सा ग्लाइड करा लेते हैं इसे, सी इंटरेस्टिंग साउंड बन गया। इसे बंद करते हैं, चलो दोबारा से चलते हैं, इसी जगह पे रहते हैं। अब लेगाटो से वापस पॉलीफोनी में आ जाते हैं, ट्रांसपोज को कर देते हैं खत्म। दिस इज आवर साउंड, एंड अब हम एम का एनवलप को कर देते हैं थोड़ा लंबा। Start sounding good, right? अब यहाँ चलते हैं, मान लो कि थोड़ा सा आफ्टर टच लूंगा मैं। और अगर मैं इसे ऐसे आफ्टर टच पे इतना नहीं चाहता इसका इम्पैक्ट, मैं मॉड्यूलेशन पे भी रख सकता हूँ फिल्टर का कट ऑफ। और ओके, वी कैन डू दैट। जितना जोर से मैं हिट कर रहा हूं तो ये जो शेप है मॉड्यूलेटर का वो चेंज हो। उस साइन वेव की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसे थोड़ा स्लो कर देते हैं ना इवॉल्विंग। अब इसमें लगाते हैं कोरस। और इसमें वापस से यही रिवर्ब लगाते हैं। अगला स्टेप करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट डूइंग समथिंग लाइक आरपेजिएट। मान लो यही अपना साउंड है, इसके ऊपर लगाते हैं हम ये आरपेजिएटर। बढ़िया, इसे ले आते हैं ग्रिड पे, कुछ एक यहां से तिलस्मी सी वो ले लेते हैं सेटिंग। You can see that. अब अगर हम थोड़ा सा यू नो डिले भी लगा दें इस पे तो मजा ही आ जाए। बढ़िया, अब अगर हम बोले कि यार एक ऑक्टेव पे मत रहो, अगर हम बोले कि तीन ऑक्टेव तक जाओ, बढ़िया, हम कहेंगे थोड़ा वेरिएशन लेके आओ यार। हम अगर कहें कि भैया थोड़ा सा यू नो अप एंड डाउन रैंडम और समथिंग कुछ, अगर हम कहें कि नहीं भैया हमें तो इतना स्पीड नहीं चाहिए,
तो हम जो भी सारी चीजें डालेंगे वैसा चलेगा। तो इस तरीके से आप बना लोगे स्वाद अनुसार पैचेस। कल हम देख लेंगे इसका वेव टेबल वाला जो मॉड्यूल है और उसको थोड़ा सा छेड़ करके, और आप दोबारा से सुन लो जो हमने ये तिलस्मी सा म्यूजिक बनाया इतना ही सिंपल सा चीज लगा करके। और वो आपने देख ही लिया था कि हमने कैसे प्रीसेट को सेव किया है। तो आप नए नए साउंड्स डेवलप करते रहते हो, कई बार यू लाइक दैट साउंड, यू कैन सेव इट एंड लेटर ऑन यूज कर सकते हो उसको अपने बैंक से उठा करके। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा, आपने कुछ अच्छा बढ़िया सीखा होगा। थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मिशन टू बी अ बेटर म्यूजिशियन एवरी डे। अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो अबाउट सॉन्ग राइटिंग प्रोसेस, मिक्सिंग, मास्टरिंग, सॉन्ग को कैसे अरेंज करना, ये सारा जो भी प्रोसेस होता है इन बिटवीन, प्रोफेशनली लोग क्या VST क्या ये वो सारा तामा झामा सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, तो नीचे लिंक होगा studio6productions.in/academy का, तो वहाँ पे फटाक से चले जाओ, आपको वहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। अगला बैच 3 February से शुरू होने वाला है, सीट्स ऑलमोस्ट फिलअप हो गई हैं, सो यू शुड हरी अप। और इस उम्मीद के साथ कि मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।